साल 2020 खत्म होने को है। यह साल दिल्ली के लिए काफी चुनौतियों से भरा रहा। चीन से आई कोरोना बीमारी ने न केवल लोगों की जीवन शैली को बदल कर रख दिया, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने भी एक चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन इसके बाद भी सरकार, प्रशासन, डॉक्टर और लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए इस आफत का डटकर सामना किया। दिल्ली में पहला कोरोना केस 2 मार्च को सामने आया। इसके बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले गए, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे में सरकार ने लोगों के साथ मिलकर कोरोना संक्रमण से डटकर लड़ाई लड़ी। जरूरत पड़ी तो कोरोना को परास्त करने के लिए दिल्ली में 10,000 बेड से लैस दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल 11 दिन में बनकर तैयार हो गया। इसके अलावा न केवल नए अस्पताल खोले गए, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हो चुकी हैं। कोरोना ने हेल्थ केयर सिस्टम में तो बहुत बड़े चेंजेस लाए हैं, और मैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। मेरे अस्पताल में तो बहुत चेंजेस आए हैं। मेरे अस्पताल में पहले 23 ICU बेड्स थे और 14 वेंटिलेटर्स थे, सो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। CCTV कैमराज जगह जगह लग गए हैं, एक रोबस्ट एम्बुलेंस सिस्टम है मेरे पास, सेंट्रलाइजेशन हो गया है सिस्टम का, एक एडवांस्ड माइक्रोबायोलॉजी लैब हमने बनाई है जिसमें RT-PCR टेस्ट होते हैं, एक होल्डिंग एरिया बनाया है जो कि अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रायज एरिया है, पोस्ट कोविड क्लिनिक बनी है जैसा कि आप लोगों को पता है, एक वैक्सीन स्टोर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी बनने वाला है। जैसे ही भगवान करे जल्दी कोरोना खत्म हो, सब लोगों को उससे निजात मिले, और उसके बाद हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे अपने सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज को बढ़ाने में उपयोग में लाएंगे। कोरोना से लड़ाई में LNJP अस्पताल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2000 बेड वाले इस अस्पताल ने अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को ठीक किया है, जिसके चलते यह अस्पताल पूरे देश में नंबर 1 अस्पताल बन चुका है। 2020 बहुत ही चैलेंजिंग रहा, और डॉक्टरों के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट और बड़ा ही कठिन टाइम रहा, और सारे लोगों ने जो लड़ाई लड़ी कोरोना के विरुद्ध, उसमें अब दिसंबर में आते आते हम देख रहे हैं कि हम इस युद्ध को जीत रहे हैं और एक कामयाबी नज़र हमें आ रही है। हमें सबसे बड़ी खुशी है कि इस पूरे साल में निस्वार्थ भाव से और अपने पूरे डेडिकेशन से जो लोग लगे रहे, उनकी बदौलत ही हम इतना बड़ा ये जो हॉस्पिटल है जो कि पूरे भारतवर्ष का नंबर 1 हॉस्पिटल हो गया है कोरोना केयर में, उसमें हम हाईएस्ट लेवल की सेवा दे पाए और 10,000 लोगों को हम उनके घर सकुशल ट्रीट करके भेज पाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। दूसरा ये कि जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियाँ थी उसको हम दूर कर पाए। हमने ICUs अपग्रेड किए, हमने जो पाइपलाइन का जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेड पे हमने विकसित किया, हमने जो वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, और जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक सुधरा है। केजरीवाल सरकार के सामने कोरोना को परास्त करना पहली प्राथमिकता थी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री लगातार जुटे रहे। पूरे साल के अनुभवों को लेकर ETV भारत से बातचीत में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने इस साल को कोरोना साल का नाम दिया है, और आज हम कोरोना से हद तक लड़ाई जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है पूरा देश तो कोरोना के नाम गया, पूरा साल तो अभी लग रहा है कि काफी कंट्रोल में है। पॉजिटिविटी रेट जो है 3% के आसपास आ गया है, ये 15% के करीब चल रहा था एक महीना पहले, 7 नवंबर को 15.26% था, अब ये 3% के आसपास है, और अगर ये हफ्ते भर तक 3 के आसपास रहता तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली काफी कम हो गया है। मैं बताता हूँ, इस साल तो लगता है कोरोना काल या कोरोना साल कहलाएगा। कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है, और जैसा कि आपने सुना, कोरोना ने नए अनुभवों के साथ साथ नई सीख भी दी। देखने वाली बात होगी कि आगामी वर्षों में यह सीख दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कितना प्रभावी और कितना फायदेमंद साबित हो पाती है। निरंजन मिश्रा, ETV भारत।